नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे भारत बंद के। दरअसल सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद की अपील की है। भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 28 और 29 मार्च को बंद बुलाया है। सोमवार को पश्चिम बंगाल, केरल समेत कुछ राज्यों में बंद का असर भी दिखने लगा। हावड़ा में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर बंद कराया। इस दौरान यूनियन का कहना है कि ये बंद सरकार की कर्मचारी, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि बंद का असर बैंक, रेलवे, सड़क परिवहन और बिजली जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने बयान जारी कर बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और क्षेत्रीय संघों ने हाल ही में दिल्ली में एक बैठक की थी। इसमें भारत बंद की तैयारियों का जायजा लिया गया था। यूनियन के मुताबिक केंद्र सरकार की जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है। वहीं सोमवार को बंगाल विधानसभा में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के नेता आपस में भिड़ गए। तो बंगाल विधानसभा में मारपीट का मामला सामने आया है। वहां बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असित मजुमदार के बीच मारपीट हुई। झगड़े में असित मजुमदार घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक विधानसभा से शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने वाले विधायकों में शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, नरहरि महतो, शंकर घोष, दीपक बर्मन का नाम शामिल है। इनको अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को आखिरी दिन था। कथित मारपीट के बाद बीजेपी विधायक विधानसभा के बाहर आ गए। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि वे बीरभूम पर चर्चा चाहते थे, जिस पर हंगामे के बाद कथित रूप से टीएमसी विधायकों ने धक्का मुक्की और मारपीट की है। तो बंगाल विधानसभा में मारपीट के बाद सियासी सरगर्मी भी तेज होती नजर आ रही है। मारपीट के बाद बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बाद बीजेपी नेता सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। बीजेपी के सीनियर नेता बीएल संतोष ने कहा कि बंगाल की राजनीति में गिरावट देखने को मिली है। ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद से स्तर गिरता जा रहा है। आज बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और अन्य पर हमला किया गया है और बंगाल में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। वहीं बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के दौरान कहा कि टीएमसी विधायकों ने उनको धक्का और मुक्के मारे थे। उन्होंने अपनी शर्ट के फटने की भी बात कही। इसके बाद बीजेपी विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की। आप नेता ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है। 2 अप्रैल से खिलाड़ियों के साथ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की बात कही है। तो आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन चौहिंद रोहतक में प्रेस वार्ता करते नजर आए, जहां उन्होंने ऐलान किया कि 1 अप्रैल तक नौकरियों में या तो खेल कोटा हरियाणा सरकार बहाल करे, अन्यथा विरोध के लिए तैयार रहे। वे 2 अप्रैल को खिलाड़ियों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार खिलाड़ियों के मनोबल तोड़ने में लगी हुई है। सरकार ने खिलाड़ियों का कोटा बंद करके खिलाड़ियों के साथ धोखा किया है। दरअसल नवीन जयहिंद प्रदेश की गठबंधन सरकार पर लगातार हमलावर हैं। प्रदेश सरकार की ओर से खिलाड़ियों का कोटा बंद करने को लेकर एक बार फिर से वे सुर्खियों में हैं। 2 दिन पहले खिलाड़ियों की ओर से हिसार में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में नवीन जयहिंद मुसल लेकर पहुंचे थे। अब एक बार फिर नवीन जयहिंद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के साथ धोखा कर रही है और खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने में जुटी हुई है।
उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से बनता है, खिलाड़ी बनने में पूरे परिवार की मेहनत लगती है और प्रदेश सरकार उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार 1 अप्रैल तक खिलाड़ियों का कोटा बहाल करे, अन्यथा वे 2 अप्रैल को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का खिलाड़ियों के साथ घेराव करेंगे। वहां आए और विपक्ष से ये कह रहे हैं अकरा कित घुगरी में पड़ रहे हो, कौन सी मतलब सुरंग में पड़ रहे हो, तुम्हें विपक्ष वाले हो कौन सी सुरंग में पड़ रहे हो, ये सरकार इतने इतने गंदे डिसीजन ले रही है और कोई बोल नहीं रहा। तो हम तो ये कह रहे हैं खिलाड़ियों को बख्श दो सरकार, ये खिलाड़ी आप इसको बर्बाद कर दोगे, ये नशे की तरफ जाएंगे, ये क्राइम की तरफ जाएंगे, हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। और नहीं था भाई देख यो सोटा रहा, यो सोटा है ना, 2 अप्रैल पहला नवरात्रा है, माता रानी का आशीर्वाद लेकर बीजेपी का कार्यालय मुख्य कार्यालय राज्य कार्यालय उड़ा पहुंचेंगे सब। तो मैंने कहूँ अपना अपना सामान लेकर आइयो, हॉकी वाले हॉकी, कुश्ती वाले लंगोटी ले आइयो, जूडो वाले अपनी ड्रेस ले लियो, सब अपनी अपनी ड्रेस लेकर आइयो, क्योंकि हम ये मानते मुख्यमंत्री ने नहीं खेल रखा कंचा भी। तो हरियाणा सरकार पर आरोप लग रहे हैं, आरोप ये कि सरकार खिलाड़ियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। तो हरियाणा में इन दिनों मनोहर लाल सरकार के खिलाफ खूब लामबंदी हो रही है। विपक्षी नेता और कुछ खिलाड़ी सरकार पर खेल कोटा खत्म करने का आरोप लगाकर खूब हल्ला मचा रहे हैं। हालांकि अब कुछ खिलाड़ी ही सरकार के बचाव में आगे आ गए हैं। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट का कहना है कि सरकार ने अब तक खिलाड़ियों का कोटा खत्म करने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है, विपक्ष बेवजह इसे मुद्दा बना रहा है। बबीता ने बॉक्सर विजेंद्र सिंह को लेकर कहा कि वो तो नेता बनना चाहता है इसलिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंची बबीता फोगाट ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह चुके हैं कि नौकरियों में खिलाड़ियों का कोई कोटा खत्म नहीं किया गया है, फिर भी कुछ लोग खिलाड़ियों को बहकाकर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। बबीता ने कहा कि वह खुद एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी, और जिस तरह का भ्रम विपक्षी दलों की ओर से फैलाया जा रहा है वो सरासर गलत है। आपने अगर देखा हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 23 तारीख को सीएम साहब ने खुद ये आपको शायद न्यूज वालों को ये प्रेस नोट भेजे या न्यूज वालों के सामने उन्होंने बोला है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, खेल कोटा जैसे चल रहा था वैसे ही है, हमने किसी डी ग्रुप में स्पेशली या कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया है, जैसे पहले थी वैसे की वैसे ही सारी स्थिति और सारे जो खेल कोटा जो आरक्षण था वैसे ही रहेगा। बुलेटिन के आखिर में बात रोहतक की भी कर लेते हैं। दरअसल रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बदमाश पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। तो रोहतक पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश नवीन उर्फ भंडर को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली है। आरोपी पर हत्या का प्रयास, लूट, स्नैचिंग, डकैती, अवैध हथियार रखने के करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी ने रोहतक, सोनीपत और बहादुरगढ़ के एरिया में कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो हमने एक हमारा मोस्ट वांटेड था नवीन उर्फ बंडर, ये 10,000 का इनामी बदमाश था। तो हमारी जो CIA 2 की टीम है जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर नवीन हैं, उनके जो एक SI अमित की टीम ने इसको 27 दिन को इसको गिरफ्तार किया था और काफ़ी ये कई वारदातों में ये शामिल रहा है। अभी तक कुल 15 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें से 12 मुकदमों की अभी सुनवाई माननीय अदालत में चल रही है और 3 मुकदमों में ये भगोड़ा था। तो अभी जिस हमने जो मुकदमा है गांव किडवाली का है जिसमें इसको गिरफ्तार। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ABC News के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।